देखें, अंडरस्टैंडिंग चेंज में ऑथर ने रेफर किया ग्लैडवेल टिपिंग पॉइंट 2002 की द बेस्ट सेलिंग बुक है द टिपिंग पॉइंट मैलकोलम ग्लैडवेल। ग्लैडवेल ने टिपिंग पॉइंट को एक जो है वो एक एपिडेमिक टिप कहा है, और वो कहते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आता है दैट समथिंग एक यूनिक और समथिंग अननोन, और दैट दैट वॉज योर बॉइलिंग पॉइंट। तो ग्लैडवेल ने टिपिंग पॉइंट को तीन करेक्टरिस्टिक्स में बताया। वो कहते हैं कि जब तब्दीली चेंज आता है तो वो बिल्कुल एक माचिस की तीली की तरह से, एक जंगल की आग की तरह से फैलती चली जाती है। बल्कि उसने रेफरेंस दिया वायरस का, एक एनालॉजी यूज़ की है कि पेंडेमिक वायरस की तरह से ये सब में फैलता चला जाता है। तो ग्लैडवेल ने तीन करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं चेंज की। नंबर वन, इमरजेंस ऑफ द ट्रेंड, एक ट्रेंड होता है आइडिया या क्राइम वेव जिसे कहें। नंबर टू, के एक लिटिल चेंज कैन हैव अ बिग इफेक्ट, कभी कभी मामूली सा चेंज हम देखते हैं और वो फिर दे बिकम यूजफुल फॉर ऑल एंड दे पुट द इम्पैक्ट, लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द अदर्स। एंड द थर्ड, चेंज हैपेंस इन वन ड्रामेटिक मोमेंट रादर देन द ग्रेजुअली, और एक बहुत ड्रामेटिक चेंज आता है जो स्लो स्लो चेंज के मुकाबले में। तो उसने टिपिंग पॉइंट को कहा है कि लम्हा है, होता है एक मोमेंट होता है, और जो कि एक तरह का बॉइलिंग पॉइंट है। तो ग्लैडवेल की टिपिंग पॉइंट जो है वो यहाँ को की गई है टू मेक अ बिग डिफरेंस, टू मेक टू ब्रिंग अ चेंज। और ये कैसा चेंज है, ये ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है, जो एक बहुत गहरा इन डेप्थ परसिवेसिव जो है बदलाव लेकर आता है। तो यहाँ हम देखेंगे टिपिंग पॉइंट में इसको उसने सोशल एपिडेमिक कहा, एक मेटाफोर एनालॉजी के तौर पर उसने यूज़ किया लर्स कि जिस तरह से एक वायरस फैलता चला जाता है तेजी के साथ, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, और जो है बिल्कुल ऐसी वो कहता है कि जो बदलाव लाते हैं, कोई तब्दीली आती है, एक टिपिंग पॉइंट, एक लम्हा ऐसा होता है दैट द मूवमेंट इज एन एपिडेमिक व्हेन एवरीथिंग कैन चेंज ऑल एट वंस, सारी चीज़ें एक लम्हे भर में सब कुछ बदल जाता है। The tipping point is a where unexpected becomes expected and where the radical change is more than the possibility. तो कुछ होता है उससे भी कहीं गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ, हमारी expectation से भी beyond जो बदलाव आ जाता है। इसकी example है technology के अंदर, हम देखते चले आएँ कोई भी चीज़, एक viral content होता है या viral trend होता है तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छे से मौजूद होती हैं, exist होती हैं, लेकिन कब वो hit कर जाएँ, कब वो एक part बन जाएँ। तो बिल्कुल ये एग्जांपल है वायरस, इसकी पावरफुल एग्जांपल है, ये दोनों टिपिंग पॉइंट को के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। सोशल चेंज एपिडेमिक कोड यूज़ किया उसने, कहा कि बहुत इन्फ्लुएंस करता है लीडरशिप प्रोसेस को, और लीडर्स हैव इंटेंशनली फैसिलिटेट चेंज यूजिंग अ टिपिंग पॉइंट स्ट्रेटजी, और इस टिपिंग पॉइंट स्ट्रेटजी के तहत उनको वो कहता है कि लीडर्स को जो है वो फैसिलिटेट चेंज करना चाहिए। अब फैसिलिटेटिंग चेंज की बात कर रहा है वो टिपिंग पॉइंट स्ट्रैटेजी के जरिए, और ये देखें ग्लैडवेल ने तीन एजेंट्स बताए, द लॉ ऑफ द फ्यू, उसने कहा लॉ ऑफ द फ्यू चंदू का कानून है जो तेजी के साथ, दूसरा स्टिकनेस फैक्टर किसी एक जगह पे, जिस पर मार्केटिंग करते जाओ एक ही प्रोडक्ट के ऊपर, एंड द थर्ड द पावर ऑफ द कंटेक्स्ट, द पावर ऑफ द कंटेक्स्ट के आपके इर्द गिर्द के सिनेरियो को देखते हुए चीज़ों को डेवलप करना। अब आते हैं फैसिलिटेटिंग चेंज की बात करें, तो फैसिलिटेटिंग चेंज क्या है यहाँ पे, मींस द हेल्पिंग पीपल आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन एंड सपोर्टिंग देम एज दे ट्राई आउट न्यू बिहेवियर, कुछ बदलाव लाना, कुछ नया बिहेवियर की तरफ उनको मुतारफ कराना। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ट्रांजिशन ब्रिज 1991 में ये सेवन अप्रोचेस देता है कि किस तरह से बदलाव ट्रांजिशन फेस अमल आता है। सबसे पहले तो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और सबको अपनी अपनी अजम्पशन से बाहर निकलना पड़ता है, फिर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं सबके लिए, फिर उनको ट्रेन करते हैं किस तरह से आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है और किस तरह से इनोवेशन को फैसिलिटेट करना है। फिर एक रिस्क टेकिंग का एक मॉडल बनाया जाता है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और फिर इंसान अपनी सबक सीखता है गलतियों से, लॉसेस से, फेलियर से, और फेलियर को इनोवेशन के तौर पर इस्तेमाल करता है। इनकरेज एवरीवन टू ब्रेक थ्रू बैरियर, तो जो भी इसको बैरियर है उन सारे बैरियर्स को जो है वो ब्रेक थ्रू करता हुआ आगे बढ़ता है, और वे टू मेंटेन द कंफर्ट जोन ऑफ इक्विलिब्रियम, फिर वो उसको एक अप्लाई करना है, इक्विलिब्रियम फॉर्मूले कराना उसके। पीपल चेंज व्हाट दे डू लेस बिकॉज दे आर गिवन एनालिसिस दैट शेप देयर थिंकिंग देन बिकॉज दे आर शोन अ ट्रुथ दैट इन्फ्लुएंस देयर फीलिंग। तो लोग किस तरह से बदलाव लेकर आते हैं, पूरा एक प्रोसेस कोटर ने बताया हमें सीक्वेंशियली,
सबसे पहले एक अर्जेंसी क्रिएट होती है, सेंस ऑफ अर्जेंसी के वी हैव टू मूव ऑन, लेट्स मूव टुगेदर, लेट्स चेंज, एंड देन क्रिएटिंग द गाइडिंग कोलिशन, किस तरह से मिलकर हम उसको बदलाव नहीं करेंगे. फिर एक विजन बनाया जाता है, स्ट्रैटेजी बताई जाती है लोगों को, फिर एम्पावरिंग ब्रॉड बेस एक्शन, ठीक है, और कितना लॉन्ग वाइडर होगा, और उसके बाद जनरेटिंग द शॉर्ट टर्म विंस, छोटी छोटी कामयाबियों से आगे बढ़ते जाएंगे, और फिर कंसोलिडेटिंग गेंस, मिलकर किस तरह से हम आज हासिल करेंगे, और इट ब्रिंग द मोर चेंज, और फाइनली फिर एक नई अप्रोच लेकर आते हैं कल्चर के अंदर. अब जो है हमने जो है वो ये यहाँ पे कुछ रिकमेंडेड मूवीज थी जो बुक में मेंशन थी, ब्रूबिक, 12 एंग्री मैन, स्टैंड एंड डिलीवर, सुपर साइज मी, और ये कुछ एडिशनल बुक रीडिंग है जिसमें लीडरशिप चेंज के नाम से है, डीप चेंज है, कॉइन की आइडेंटिटी रिकंस्ट्रक्शन एंड स्टूडेंट रेजिस्टेंस और द रियल रीजन पीपल वॉन्ट चेंज, और अभी जैसे मैंने एक बुक आपको बताई ग्लैडवेल की, द टिपिंग पॉइंट, और द मैनेजिंग एट द स्पीड ऑफ चेंज 1992 में पब्लिश हुई कॉर्नर की, और लीडिंग चेंज 1996, और उसके बाद बिल्डिंग द ब्रिज. ये कुछ एडिशनल रीडिंग है, आई थिंक यू विल बी एंजॉयिंग दैट बुक एज वेल. चले जी, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस फ्रॉम दी चैप्टर. अच्छा जी, देखिए चैप्टर नंबर 12 जो है वो स्ट्रैटेजीज फॉर चेंज, रिगार्डिंग द स्ट्रैटेजीज फॉर, हाँ, स्ट्रैटेजीज फॉर चेंज, जैसे वो अंडरस्टैंडिंग चेंज था चैप्टर नंबर 11, नाउ द स्ट्रैटेजीज फॉर चेंज. और इन दिस चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये बहुत इंटरेस्टिंग, ये समझे एप्लीकेशन है, स्ट्रैटेजीज हैं चेंज को लेके, किस तरह से हम लेकर आएंगे चेंज, उसके लिए स्ट्रैटेजीज डिस्कस की गई हैं. और जो है वो हम इसमें देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से हैंडल होते हैं, हम ये देखेंगे चेंज लीडर्स अगर स्टूडेंट बदलाव लेकर आए तो क्या होगा, सोशल चेंज क्या होता है, और RLM यानी रिलेशनल लीडरशिप मॉडल डिस्कस करेंगे. फिर हम कुछ इश्यूज देखेंगे, किस तरह से हम कनेक्ट करते हैं जॉइनिंग विद द अदर और नेविगेटिंग विद एनवायरनमेंट. तो ये हमारे पास आउटलाइन है, आपके सामने देख सकते हैं आप, स्टूडेंट को देखेंगे अगर चेंज लीडर, सोशल चेंज मॉडल क्या है, फिर रिलेशनल लीडरशिप मॉडल क्या है, फिर उसके बाद हम कम्युनिटी के एक्शन देख रहे हैं, सिविक इंगेजमेंट देखेंगे हम, किस तरह से सोसाइटी के साथ कनेक्ट होना है, फिर सर्विस एज द चेंज मेकिंग देखेंगे, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल इश्यूज, जॉइनिंग विद द अदर्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड नेविगेटिंग एनवायरनमेंट. सो दीज ऑल आर द कोर्स आउटलाइन. नाउ हियर इज अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, यू कैन सी हाउ वी कैन ब्रिंग चेंज, ठीक है, जब हम रिक्रूट करेंगे या कुछ कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट वगैरह. तो दैट वाज ओके, फाइन, ओके. स्ट्रैटेजीज फॉर चेंज, स्ट्रैटेजी फॉर चेंज वी आर गोइंग टू डिस्कस, हियर इज सम इंट्रोडक्शन. एन ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी इज ऑलवेज इन अ मोशन, एक बदलाव आता रहता है, इज अ चेंज इज अ नेचुरल फिनोमेना. पॉलिटिकल इश्यूज हो, एनवायरमेंटल इश्यूज हो, करिकुलर इश्यूज हो, एकेडमिक हो, सोशल जस्टिस के इश्यूज हो, न्यूमेरियस इश्यूज आर देयर, ठीक है. और वी बिलीव दैट चेंज इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ लीडरशिप. और हमने देखा कि लीडरशिप क्या है, इज द रिलेशनल एथिकल प्रोसेस ऑफ पीपल ब्रिंग टूगेदर अटेम्पटिंग टू अकम्पलिश पॉजिटिव चेंज. यहाँ पॉजिटिव चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, और चेंज एवरी लेवल पर है, इंडिविजुअल लेवल पे है, टीम लेवल पर है, ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशनल लेवल पर है, और समाज सोशल लेवल पर भी हमें चेंज नज़र आता है. और चेंज का मतलब ही क्या है, देखिए अगर आप देख सकते हैं, मैंने इसको हाईलाइट किया, चेंज का मतलब है मूवमेंट, एक ऐसी मूवमेंट जो एक फ्रिक्शन लेकर आए, एक फ्रिक्शन, एक हीट, मोमेंटम, कंट्रोवर्सी भी हो सकती है कभी वो. तो यहाँ पे हमने देखे रालिंग जो है क्या कहते हैं, चेंज इज इनविटेबली ट्रांसलेट, ये देखें, ये देख सकते हैं आप, चेंज इनविटेबली ट्रांसलेट इनटू लेटिंग गो ऑफ ओल्ड, पुराने को जाने दो, नए को आने दो, एंड सेफ वेज ऑफ डूइंग थिंग, ठीक है, नया कुछ
Helping people overcome the losses typically associated with the change can serve as an important contribution to part of change agent. तो देखिए क्या कहते हैं ये चेंज के बारे में, एक और हमें कोटेशन नजर आ रही है यहाँ पे, नेवर डाउट दैट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ थॉटफुल कमिटेड सिटीजन कैन चेंज द वर्ल्ड, इनडीड इट इज द ओनली थिंग दैट एवर हैज, हमेशा ऐसा ही हुआ है, चंद लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने बहुत बड़े बड़े रेवोल्यूशन और मूवमेंट स्टार्ट किए हैं. मोर्टन क्या कहता है, देखो चेंज कम्स when otherwise ordinary people find ways to bring their values, their action and their world into the closer alignment with each other. मामूली से लोग होते हैं ordinary, but they bring change, make a difference with them. तो ये एक factors हो गया, उनमें सबसे important factor student का है. student एक बहुत influence करता है change leader के तौर पर, वो influence कर सकता है अपने family को, parents को, counselor बन सकते हैं, mentor जो हैं वो एक रिवोल्यूशन ला सकते हैं, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट के तौर पे. तो यहाँ जो है वो एज अ स्टूडेंट, एज अ बीइंग अ स्टूडेंट, वो बताते हैं जिसे जो है वो पॉलिटिकली एक अलाइंस बनाते हैं, इमोशनली कलेक्ट होते हैं. सो वो ब्रिंग चेंज, दे ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी. तो यहाँ देखें कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक असल में जो चेंज लीडर बन सकते हैं. सबसे पहले लिखा हुआ है कि कमिटमेंट हो, ठीक है, और दूसरी बात बहादुर हो, करेज हो, तीसरी बात इनिशिएटिव लेने वाले हो, पहला कदम रखने वाले हो, मोटिवेशन हो उनके अंदर, खुद को भी सेल्फ मोटिवेटेड तो हो, दूसरों को भी मोटिवेट करें, केयरिंग अबाउट द पीपल, लोगों को के बारे में किस तरह से, ऑस्टिंग अंडर कवर, यानी इसका मतलब है कि वो हमेशा से दूसरे लोगों को सेल्फ प्रमोट ना करें बल्कि वो दूसरों को देखें, सेंस ऑफ ह्यूमर अबाउट देमसेल्फ एंड दिस सिचुएशन, और वो हंसते खेल के मुसीबतों को झेलने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से एम्पावरिंग बिलीव ऑफ स्टूडेंट्स की फैकल्टी, यहाँ मेंशन है कि इंडिविजुअल्स कौन बिलीव हैं और एक एम्पावरिंग इंटरनल बिलीव है. तो यहाँ देखें तीन हम एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, तो हमें क्लियर हो जाएगा. फैकल्टी, आई डोंट हैव टाइम टू गेट इन्वॉल्व इन चेंज एफर्ट. लेकिन स्टूडेंट्स, आई कैन मैनेज मल्टीपल रोल्स एंड टास्क सो दैट आई कैन मेक अ डिफरेंस ऑफ कैंपस. अच्छा, फैकल्टी, आई हेल्प क्रिएट द इंस्टीट्यूशनल कल्चर थ्रू माई डेली इंडिविजुअल डिसीजन. अब ये देखें दोनों में फ़र्क है. जो जो कम एम्पावर है वो क्या कह रहे हैं, फैकल्टी भी क्या कह रही है कि मैं अपने छोटे से मामूली से रोल से, मैं क्लास रूम से पूरी वर्ल्ड को भी चेंज कर सकता हूँ. और स्टूडेंट भी ये कह रहा है कि मैं मल्टीपल लो टास्क के जरिए परफॉर्म. लेकिन जो फंसे हों अपने बिलीव में, तो वो क्या कहेंगे, फैकल्टी कहेगी आई डोंट हैव टाइम टू गेट इन्वॉल्व इन चेंज एफर्ट. मुझे क्या दुनिया को बदलना है, मैं क्या पूरी दुनिया को टिकट आया है. ऐसा स्टूडेंट भी कहेंगे आई डोंट हैव टाइम टू गेट इन्वॉल्व इन एट. इसी तरह से एक और देखते हैं, स्टूडेंट्स क्या कहते हैं जो कि बदलाव नहीं लाना चाहते, फैकल्टी डोंट वैल्यू माई कंट्रीब्यूशन. अच्छा, आई कॉन्ट लीव बिकॉज आई डोंट होल्ड अ फॉर्मल लीडरशिप टाइटल, मुझे नहीं लीडरशिप करना. अच्छा, फैकल्टी भी क्या गया कि माई कोलिग्स विल नेवर चेंज देयर वेज ऑफ डूइंग थिंग, मेरे साथ के लोग मुझे नहीं करने देते, मैं बंदा हुआ हूँ, आई एम नॉट अ लीडर, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, आई डोंट हैव अ लीडरशिप पोजीशन, मैं कोई मेरा रोल नहीं है, मेरा तो बस डिसिप्लिन ही नॉलेज है. वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है. लेकिन जो एम्पावर होते हैं, दैट द टीचर, द स्टूडेंट, दो स्टूडेंट आर कमिटेड टू ब्रिंग चेंज, वो क्या कहते हैं कि आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प शेप मेटर दैट इफेक्ट मी इंडिविजुअल, कि मैं बदल सकता हूँ. इंडिविजुअल स्टूडेंट हैव द एबिलिटी टू शेप देयर फ्यूचर्स, और स्टूडेंट हैव द कैपेसिटी टू एंगेज इन द लीडरशिप प्रोसेस. और फैकल्टी भी फिर इसी तरह से कहेंगे कि लीडरशिप इज नॉट अ सेपरेट एक्टिविटी, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ व्हाट आई एम लर्निंग. ये मेरी फैकल्टी टीचिंग लर्निंग का ही पार्ट है. मेंटोरिंग और लीडिंग इज अ पार्ट ऑफ इट. लीडरशिप इज इन एवरी क्लास, हर क्लास के अंदर लीडिंग होती है, टीचर भी एक लीडर का रोल प्ले करता है. सो आई हैव अ फ्रीडम ऑटोनॉमी टू ब्रिंग चेंज. तो ये देख रहे हैं आप, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने इसको कंट्रास्ट किया, और इसमें और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमने यहाँ पे शेयर किए हैं. तो एक सोशल चेंज मॉडल बताते हैं यहाँ पे जो ऑथर इस बुक के अंदर, वो ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में एजुकेटर जो हैं वो इस तरह का एथिकल चेंज लेकर आते हैं, और जो है वो उसको अप्लाई करते हैं सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, ताकि मोरल वैल्यूज बने. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो हम यहाँ पे देखेंगे. ये देखिए सोशल चेंज मॉडल में पर्सनल वैल्यूज होती है, इंडिविजुअल वैल्यूज, अखलाकियात पैदा की जाती है, उनको शोर दिया जाता है. फिर उसके बाद कॉन्जुएंस यानी थिंकिंग, फीलिंग और बिहेविंग कंसिस्टेंसी के साथ,
किस तरह से उनको ऑनेस्ट रहना है, कमिटमेंट सोसाइटी के साथ, अपने आइडिया के साथ, और ग्रुप वैल्यूज मास्टरी के साथ कोलाबरेट करना आना चाहिए उनको। ये सारे टैलेंटेड चीज़ें उनके अंदर, कॉमन पर्पज हो सबका, ताकि वो एक अच्छा माशरा बना सकें। कॉन्ट्रोवर्सी विद डिसेबिलिटी किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व ना हो जो उनके लिए नुकसान भी हो। सिटीजनशिप वेरी इंपॉर्टेंट है। चलें देखें, ये देखें आपके सामने ये फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अच्छा शहरी बनने के लिए सबसे पहले तीन सीज की जरूरत पड़ेगी आपको। कॉन्शियस होना चाहिए, यानी शोर हो, कंज्यूरेंस मतलब एक थिंकिंग फीलिंग हो, बिहेवियर हो, ऑथेंटिक कमिटमेंट होना चाहिए आपकी इंडिविजुअल वाइज। लेकिन जब आप ग्रुप में होंगे तो आपको क्या करना है, कोलाबरेट करना है, मिलकर काम करना है, आपके कॉमन पर्पज होने चाहिए और किसी किस्म की कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट ना करें माशरे के साथ। तो यूँ आप मिलकर फिर एक अच्छा शहरी बनेंगे, सिटीजनशिप कहलाएगी आपकी। ठीक है जी, तो ये हमने फ्लो चार्ट से सीखा। अब ज़रा हम जो है वो देखते हैं, ये चार हमारे पास रिकॉल हो रहे हैं, RLM रिलेशनल लीडरशिप मॉडल, और इसको हम सोशली कैसे बताएंगे। पर्पसफुल में हम डालेंगे कमिटमेंट, कॉमन पर्पस सिटीजनशिप, और एथिकल के लिए हम कॉन्शियस में अपना बारे में जानेंगे, कॉमन पर्पस देखेंगे। एम्पावरिंग के अंदर हम जो है वो कमिटमेंट करेंगे, ठीक है। ये सोशल वैल्यूज को, तीनों वैल्यूज को हमें देखना है, इंडिविजुअल वैल्यूज को भी मद्देनजर रखना है, ग्रुप वैल्यू को भी मद्देनजर रखना है, और सोशल वैल्यूज को भी रखना है। इंक्लूसिव में हम देख रहे हैं जैसे कॉन्शियसनेस, कमिटमेंट, ग्रुप वैल्यूज में कोलैबोरेशन, और सोशल वैल्यूज में सिटीजनशिप, और फाइनली द प्रोसेस ओरिएंटेड जिसमें हम इंडिविजुअल वैल्यूज देखेंगे, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट विद इन योरसेल्फ, ग्रुप वैल्यूज यानी कोलैबोरेशन, और सोशल वैल्यूज सिटीजनशिप। सो ऑल दीज मॉडल आर वेरी हेल्पफुल फॉर दैट। इसी तरह से स्पेसिफिक और जनरल कैंपस कोलिशन तो खैर ये इसको हम सपोर्ट करते हैं। तो ये देखेंगे फ़ायदा लिखा है कि कोलिशन जब करते हैं, हम मिलकर काम करते हैं, तो उसके फ़ायदे क्या हैं। एक तो विन हम अकेले नहीं जीत सकते, विन व्हाट कुड नॉट बी वॉन अलोन, वी नीड अ टीम, वी नीड अ ग्रुप। और दूसरी बात, बिल्ड एन ऑनगोइंग पावर बेस हम एक बनाते हैं कि सारी तरह आपके पास भी रहेंगे, साथ ही शिफ्ट ऑन हो जाएंगे, और इंक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट, ठीक है। डेवलप न्यू लीडर्स, देख हम देख एक मॉडल बनाएंगे, इंक्रीज रिसोर्स बढ़ाने के लिए और प्रॉडक्ट स्कोप, ठीक है। नुकसान क्या है, अगर आप कोलिशन नहीं करते तो आप तो काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वीक मेम्बर्स होंगे आपके, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ जाएंगे, इनइक्वालिटी ऑफ पावर होगी, आपकी टैक्टिक्स अच्छे नहीं होंगे। तो ये हमने देखा। अब ये आर्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है, सिविक इंगेजमेंट, किस तरह से हमने जो है वो सिटीजनशिप को शो करना है, हम अपना रोल किस तरह से प्ले करेंगे माशरे के अंदर, तो जो भी चेंज लेकर आए जिससे हम डिस्टेबलाइज करें इनइक्वालिटीज़ को, और कोई ऐसे पॉइंट लाएँ जिसमें हम सबकी बेहतरी के लिए बात करें कि हाउ बिग इज आवर विल, तो वी आर गोइंग टू डू समथिंग एंड वी पुट द सोशल इम्पैक्ट। तो यहाँ देखते हैं हम सिविक सेंस ही होता है कि आप पूरे माशरे के लिए सोचें आप, ठीक है, और चाहे वो चैरिटेबल हो और रेसिप्रोकल वर्क हो, तो बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। चलें जी, अब ये तो हो गई हमारे पास आज की चीज़ें। यू कैन सी दैट हियर इज सम रिकमेंडेड बुक फ्रॉम द बुक फ्रॉम द टॉपिक स्ट्रेटजीज फॉर चेंज। एक तो सोल ऑफ द सिटीजन बड़ी पॉपुलर बुक है, और यू कान बी न्यूट्रल ऑन अ मूविंग ट्रेन, ये भी बहुत अच्छी है। रीडिंग फॉर डाइवर्सिटी एंड सोशल जस्टिस, ये भी सोशल इम्पैक्ट के लिए। इस तरह से कुछ मूवीज हैं जैसे गांधी एक मूवी है, शिंडल लिस्ट है, होटल रवांडा है, ये मोबिलाइजेशन के लिए, सोशल मूवमेंट के लिए, तो आप रिलेवेंट टू द टॉपिक यू कैन सी एंड यू विल रिलेट द टॉपिक, जो कि हमारा टाइटल था आज, स्ट्रेटजीज फॉर चेंज।